के अपने चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ ट्रेनिंग देने का भी प्रोग्राम देता है। दोस्तों, मैं हूँ राजवंत सिंह वाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक म्यूटेशन, इंतकाल, दाखिल, खारिज के ऊपर, क्योंकि हमारा चैनल रियल एस्टेट एजुकेशन के ऊपर है और हम अपने YouTube के जो फॉलोअर्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनके कमेंट पढ़ते हैं। दो दिन पहले गगन सिद्धू जी का एक कमेंट आया था कि आप हमें म्यूटेशन इंतकाल के बारे में बताए कि इस पे खर्चा कितना होता है। तो उन्होंने कहा, तो सिंपल एक सवाल था कि खर्चा कितना होता है। तो खर्चे के लिए तो मैंने ये लिख दिया है, म्यूटेशन फ़ी है जो पंजाब में 600 रुपये है और हरियाणा में ये 200 रुपये है, राजस्थान में सिर्फ 30 हैं और J&K में 1000 है। मतलब ये बहुत नॉमिनल सी फीस होती है और नॉमिनल फीस भी इरेस्पेक्टिव टू एनी अमाउंट ऑफ द सेल डीड, मतलब रजिस्ट्री चाहे 1 करोड़ की हो चाहे 2 लाख रुपए की हो तो म्यूटेशन फीस सेम रहती है। सो ये म्यूटेशन फी के बारे में उसका जवाब हो गया उनका, गगन सिद्धू जी का। लेकिन म्यूटेशन है क्या, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अब फिर देखता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये है कि हम प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी में लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं। जब कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस आदमी का जो सेलर का टाइटल है, खरीददार के नाम पर जब आता है उसको हम इंतकाल कहते हैं या उसको म्यूटेशन कहते हैं या उसको दाखिल खारिज कहते हैं। मतलब एक आदमी जो सेलर है, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और प्रॉपर्टी के सारे हक हकूक परचेजर को दे दिए तो ये हक भी वो अपना सरेंडर कर देता है कि जो टाइटल मेरे नाम पे है वो सेल परचेजर के नाम पे चला जाए। तो सिंपल मतलब सेलर के नाम से प्रॉपर्टी का परचेजर के नाम पर जाना ही म्यूटेशन है, इंतकाल है, दाखिल खारिज है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है। यदि हम सरकारी एजेंसियों की बात करें, सरकारी एजेंसियों में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहा जाता है और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें हम इंतकाल, दाखिल खारिज या इसको म्यूटेशन बोल देते हैं। इसको और तरीके से समझने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये दाखिल खारिज जो लिखा है इसमें, दाखिल खारिज का मतलब है एक जगह से इसने खारिज हो जाना है, मतलब ख़त्म हो जाना है और दूसरी तरफ से इसने दाखिल हो जाना है। मतलब ए से निकल के ये बी में चला गया, तो ए का कट जाएगा, बी में चला गया। तो ये दोस्तों ये हमने ध्यान रखना है इसके ऊपर कि ये दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज का मतलब यही है कि एक जगह पे दाखिल हो गया, दूसरे जगह पे एंटर हो गया। तो अगली जो मैं इसमें और सिंपल करके बताता हूँ, इसको मैं म्यूटेशन को मैं जो म्यूटेशन इंतकाल है इसको मैं आत्मा के साथ मिलाता हूँ, आत्मा जो शरीर की आत्मा है। तो जैसे हमने सुना है कि एक शरीर जब मर जाता है, इंतकाल का मतलब मर नहीं है, जब एक शरीर मर जाता है उसकी आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है, तो वो इस तरीके का जो इंतकाल का प्रोसेस भी यही है, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाना, एक जगह से निकल के दूसरे जगह पर चला जाना। ये आत्मा के साथ मैं इसलिए मिलाता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ। यही बात मैं अपने ट्रेनिंग सेशनों में भी बताता हूँ कि इंतकाल को यदि हम आत्मा से उसकी तुलना कर ली जाए तो कोई अतिकथनी नहीं है। जैसे आत्मा एक मुर्दा शरीर से निकल के नए शरीर में दाखिल हो जाती है, जो हिंदू धर्म का फलसफा है, तो इसी तरीके से इंतकाल का भी यही है कि एक जगह पे टाइटल ख़त्म होकर दूसरे आदमी के नाम पे चला जाता है। सो ये तो हो गया म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन के बाद
म्यूटेशन कितनी तरह के हैं? म्यूटेशन कई तरह के हैं यार दोस्तों। जो बै का इंतकाल भी बोलते हैं उसको, जिसको बै का मतलब है जर खरीद, हम पैसा देके जब चीज़ खरीदते हैं। कोई विरासत का इंतकाल होता है, हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी हमारे नाम पे चलती है। कोई तबादले का इंतकाल होता है, कब हम प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी लेते हैं, वहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करते। कई जो इंतकाल हैं वो डिक्री के इंतकाल होते हैं। डिक्री के इंतकाल का मतलब जब वो कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है और कोर्ट जिस तरीके से डिसाइड करती है कि इसका जो इंतकाल है वो तोड़ के दूसरे आदमी के नाम पे कर दिया जाए, उसको डिक्री का कहते हैं, डिक्री का इंतकाल कहते हैं, डिक्री का म्यूटेशन कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत और भी, इससे ज़्यादा भी हैं। ये मेरी किताब प्रॉपर्टी गुरु में मैंने पूरे डिटेल में दिया हुआ है, तो जो आदमी उसको पढ़ सकते हैं किताब को वो पढ़ लें। मैंने टाइप्स ऑफ म्यूटेशन उसमें दे रखा है। उसके बाद जो मैं इसमें जो और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, म्यूटेशन कहाँ से आता है, ये म्यूटेशन कहाँ से आता है, व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन आता कहाँ से है, इसकी स्टेज क्या है। कोई भी हम प्रॉपर्टी की जब ट्रांजैक्शन करते हैं, सबसे पहले हम सेल एग्रीमेंट पर आते हैं, एग्रीमेंट टू सेल या इकरारनामा, सेल एग्रीमेंट। उसके बाद हमारी सेल डीड होती है जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, रजिस्ट्री उबलीक सेल डीड। और उसके बाद होता है म्यूटेशन। जब कोई डील हमें फाइनल करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम एग्रीमेंट बनवाते हैं। उसमें एग्रीमेंट में डिटेल्स ऑफ दी प्रॉपर्टी लिखा जाता है, रेट लिखा जाता है, उसमें फाइनल पुल फुल एंड फाइनल की पेमेंट की डेट लिखा जाता है, और कोई शर्तें हैं वो लिखा जाते हैं। तो इसके बारे में एक पूरी की पूरी जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। और उसके बाद हमारी रजिस्ट्री जिसको हम सेल डीड बोलते हैं, और रजिस्ट्री सेल डीड के बाद म्यूटेशन का नंबर आता है। तो जो लोग, कई लोगों में ये मुगालता है, ये उनमें मतलब समझ नहीं पा रहे, गलतफहमी है। कई लोगों ने देखा, हमने देखा है कि उनके पास रजिस्ट्री जिसकी होती है इंतकाल करवाते ही नहीं है। अभी तो जो स्टाम है हमारे दूसरी तरह निकलने शुरू हो गए हैं ऑर्डरिंग पेपर पे, पहले मोटे मोटे कागज आते थे लाल वगैरह, तो हम लाल लाल कागजों को देख के ही खुश हो जाते थे। तो लाल लाल कागजों को देख के खुश नहीं होना, क्योंकि रजिस्ट्री जो सेल डीड है इट इज़ नॉट द फाइनल प्रोसेस ऑफ सेल। सेल का फाइनल प्रोसेस नहीं है, या सेल की फाइनल डीड नहीं है, वहीं पर बस नहीं करना। वो तो सिर्फ पैसे का लेन देन, जो मेरे और मैं सेलर हूँ या परचेजर हूँ, मेरे और परचेजर के बीच में हुआ, उसमें लेन देन है, प्लस गवर्नमेंट की जो फीस है वो हमने दी है। असली ट्रांजैक्शन तब मानी जाएगी जब उसका म्यूटेशन इंतकाल दाखिल खारिज हो जाएगा। दाखिल खारिज होना जरूरी है, मतलब सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि हम रजिस्ट्री करवा के घर पे नहीं बैठना, रजिस्ट्री करवाने के बाद हमने इंतकाल इसका करवाना है, पटवारी के पास करवाना है। ये उसकी म्यूटेशन फीस है जो मैंने चार स्टेटों में लिखी है। बाकी किसी का और सवाल हो अपने नेट पर जाके उसको सर्च करके देख सकता है, म्यूटेशन फी इन महाराष्ट्र, म्यूटेशन फी इन कर्नाटका, जो मर्जी लिखे उसमें उनको पता लग जाएगा। सो रजिस्ट्री सेल डीड ये फाइनल डीड नहीं है, इसके बाद म्यूटेशन है। म्यूटेशन जब होगा तो हम डील को फाइनल समझेंगे, डील को या किसी भी ट्रांजेक्शन को हम फाइनल समझेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश गुप्ता जी ने मेरे को एक अखबार की कटिंग भेजी थी, जिसमें उन्होंने ये मेरे को बताने की कोशिश की थी कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन किसी की ओनरशिप को फाइनल नहीं करता या पक्का नहीं करता। तो ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, जब हमने पैसे दे दिए, हमारे नाम पे रजिस्ट्री हो गई और हमने उसका म्यूटेशन करवा लिया, इंतकाल करवा लिया, दाखिल खारिज करवा लिया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसमें एक गुंडी है, वो ये है कि यदि म्यूटेशन सही सलामत हो तो आपका टाइटल सही रहता है। कई बार सेल डीड है जो वो गलत बंदा खड़ा करके या गलत तरीके से कोई और गलत प्रैक्टिस करके करवा ली जाती है, या कोई फैक्ट्स हैं जो वो छुपा लिए जाते हैं, और छुपाने के बाद सेल डीड हो जाती है, और उस वो सेल डीड, जब सेल डीड चैलेंज हो जाती है तो म्यूटेशन भी चैलेंज हो जाता है। म्यूटेशन
टूट जाता है, उसको इंतकाल का टूटना बोलते हैं, इंतकाल टूट जाता है, रजिस्ट्री टूट जाती है और पार्टी के पिछले बंदे के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी चली जाती है। मैं गाजियाबाद की एक वीडियो मैंने अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है, जिसमें भाई के नाम पर प्रॉपर्टी थी, बाप ने भाई के नाम पर प्रॉपर्टी की और 4 साल हो गए उसने प्लॉट बेचा था किसी थर्ड बंदे को, लेकिन उसकी बहन ने आके 4 साल बाद क्लेम कर लिया कि मेरे बाप ने जो वसीयत करवाई थी मेरे भाई के नाम पर वो गलत थी, उसमें मेरा राइट है जो इग्नोर किया गया, मेरे को निगलेक्ट किया गया, मेरे को अलग रखा गया उससे, तो मेरा राइट जो है वो बनता है इसमें। तो उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन के बाद वो रजिस्ट्री भी टूट गई और इंतकाल भी टूट गया। उस केस में मैं कहता हूँ म्यूटेशन इज चैलेंजेबल, म्यूटेशन को चैलेंज किया जा सकता है। हाँ, यदि आपके कागज सही सलामत हैं, बंदे सही सलामत हैं, आपकी हर तरीके से तसल्ली है, आपको पता है, तो फिर आप सेफ रह सकते हो। यही बार बार मैं कहता हूँ कि रियल स्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आदमी बहुत जल्द अमीर बन जाता है, और एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें रातों रात ये कंगाल भी बन जाता है, कभी करोड़पति और कभी रोड़पति। सिर्फ हमें जो हमारी एक भी गलती है रियल स्टेट में वो हमें रोड़पति बना देगी, हमें कंगाल बना देगी, और एक ही अच्छा काम हमारा हमें करोड़पति बना सकता है। मैं ट्रेनिंग में भी यही बात कहता हूँ कि आप यदि पूरी ज़िंदगी में एक डील भी ढंग की ढूंढ लो तो आप उतने पैसे कमा सकते हो जितने बैंक मैनेजर सारी उम्र में रिटायरमेंट तक नहीं कमा सकता। सो हमने देखना है कि हमने करना क्या है, कैसे करना है, हर तरीके से आंख खोल के चलना है। मैंने 25 वीडियो फ्रॉड पर बनाई हुई हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, हर एक आदमी को रिकमेंड करता हूँ वो देखो किस तरीके के फ्रॉड होते हैं, किस तरीके से लोग आपको आके उल्लू बना के चले जाते हैं, आपके पैसे को चूना लगा के चले जाते हैं, आपको धनवान से निर्धन करके चले जाते हैं। और निर्धन का मतलब निधन है, क्योंकि पहले वो आदमी जो उसकी है उसकी आर्थिक मौत होती है, फिर आर्थिक मौत के बाद सामाजिक मौत होती है, जो सामाजिक मौत है वो नेचुरल जो डेथ है उससे भी बुरी है, क्योंकि एक आदमी की बहुत ज़्यादा इज्जत है मार्केट में, उसके समाज में, उसके बाद पैसा है, और जब वो पैसा चला जाता है और वो बंदा तंगी में आ जाता है तो हर आदमी उससे किनारा करना शुरू कर देता है कि ये कल को हमारे से पैसे ना मांग ले। और वो जो आदमी कई कई आंखों का तारा होता है, कई लोगों के आंखों का तारा होता है, और उस आदमी को इग्नोर करना शुरू किया जाता है, जिसको मैं आर्थिक मौत कहता हूँ। आर्थिक मौत के बाद सामाजिक मौत, सामाजिक मौत है जो वो नेचुरल डेथ से भी बुरी है। सो हमने बचना है, ध्यान रखना है इन बातों का। दोस्तों, मैं अपने ड्यूटी के मुताबिक आपके साथ रूबरू होता हूँ, होता रहूँगा। कई बार मैं रात को 2-2 बजे 1-1 बजे तक भी वीडियो बनाता हूँ, कई बार काम होते हैं थक जाता हूँ आगे, फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कोई टॉपिक जो मेरे मन में आ गया कि मैं यार ये टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ। ये सारा आप लोगों की सेवा के लिए ही है, और मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों का इस चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है और श्रद्धा वाले कमेंट मिल रहे हैं जो मेरे को बहुत एनर्जी देते हैं, मेरे को बूस्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, शेयर भी करना, आगे से आगे अपने दोस्तों को भी दिखाना कि इसमें ये चीज़ सीखने वाली है, और इसके ऊपर चर्चा कर लेना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, जैसे गगन सिद्धू ने लिखा था कि ये आप इस टॉपिक पर वीडियो दो, हमने दी। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, ताकि इस तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस होकर आपका नुकसान ना हो जाए। सो हमने आपके नुकसान को बचाना है। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक आप सीखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।